सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको वेलकम है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्ती चाट, आलू चाट हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, जिस तरीके से हमें बाहर मिलती है स्ट्रीट्स पे, हम वही बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे आज अपने घर में और आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो हम किस तरीके से बनाएंगे ये सिंपल सी मज़ेदार सी चटपटी सी जो है वो आलू चाट, ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ मेरे पास हैं ये पोटैटोज, तकरीबन मैंने ले लिए थे 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज, उनको इस तरीके से मैंने कट कर लिया और कट करने के बाद उनको सिंपल जिस तरीके से हम बॉयल करते हैं बॉयल कर लिया। अब मैं करूँगी इसको फ्राई और आगे हम क्या करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम फ्राई करेंगे अपने ये बॉयल्ड पोटैटोज। इनको हल्का सा हम गोल्डन ब्राउन सा, हल्का सा गोल्डन सा कलर दे देंगे और बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको स्टर करना है ताकि जो हमारे आलू हैं वो टूटे नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड हैं। और हल्का हल्का सा बस मैं इसको हिला के और इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे के फिर आपको दिखाऊंगी। और ये देखें ये पोटैटोज हमारे जो कि बॉयल थे हल्के हल्के से गोल्डन जो है वो हो गए हैं। और बस मैं इनको अब निकाल रही हूँ एक प्लेट में और फिर उसके बाद हम इसके आगे का काम करेंगे। ये देखिए पोटैटोज हमारे हो गए थे फ्राई, इसको मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब हम बनाएंगे इसके लिए अपने पोटैटोज की चाट के लिए, आलू चाट के लिए एक मसाला। ठीक है, इस मसाले में हमने क्या क्या शामिल करना है, हमने इसमें शामिल करना है चाट मसाला। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा हम डालेंगे काला नमक, ठीक है, और थोड़े से हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे भुना पिसा जीरा। सबको मिक्स करेंगे और ये हमारा ज़बरदस्त एक मसाला जो है वो तैयार हो गया है हमारी आलू चाट के लिए। अब मैं क्या करूँगी कि आलू को जो है मैं पहले निकाल लूँगी एक सर्विंग प्लेट में जिसमें कि मुझे इसे सर्व करना है, फिर उसके बाद हम इसकी सारी असेंबलिंग करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। और ये देखिए हमने पोटैटोज को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है, अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग या टॉपिंग जो भी कह लें। सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूँगी मसाला जो हमने अभी बनाया है आपके सामने, सारा नहीं मैं डाल रही, अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा रोक लें, बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी से हल्के हाथ से ताकि हमारे पोटैटोज जो हैं वो भी टूटे नहीं और हमारा मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाए। सही, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 लेमन का जूस, इसके हम सीड्स डिस्कार्ड कर लेते हैं और ये 1/2 लेमन का जूस हम इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप थोड़ा सा सिरका भी डाल सकते हैं लेकिन सिरके से वो फ्लेवर नहीं आएगा जो हमारे लेमन जूस से आएगा। लेमन जूस शामिल कर दिया, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्वीट योगर्ट, मीठा दही है ये। ठीक है, दही मैंने ले लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीनी शामिल करी, उसको अच्छा सा बीट कर लिया, अब हम शामिल करेंगे इसमें। सही, जितना आपको अच्छा लगता है आप उतना डाल। अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी वही है जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से जाएं और देखें। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें इमली की चटनी, ये चटनी भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चटनी बनती है हमारी, ये डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ऐसी कटी हुई बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं, आप चाहे तो टमाटर भी डालें, मैंने टमाटर नहीं डाले, मैंने स्किप कर दिए, आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं। और ये देखिए प्याज मैंने डाल दी, इसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। सही, उसके बाद ऊपर से दोबारा से वही वाला मसाला जो कि हमने अभी आपके सामने बनाया है थोड़ा सा और बना रही हूँ। ठीक है,
और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे पापड़ी, जो कि इसका फ्लेवर डबल कर देगी। बहुत ही मज़ेदार लगती है इस तरीके से पापड़ी, और ये पापड़ी वही है जो कि मैं रोल पट्टी बनाती हूँ घर पे। तो जब इसका हम एक्चुअल साइज देते हैं तो जो पीसेस बच जाते हैं उसको मैं रख लेती हूँ, और अभी मैंने फ्राई करी है उनको, और ये कड़क कड़क सी हमारी बिल्कुल खस्ता सी, देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ, देखिए आवाज़ आपको आ गई होगी, इस तरीके से बहुत ही अच्छी बिल्कुल पापड़ी जो है वो हमारी ये बन जाती है। तो आप लोग भी कभी वेस्ट नहीं करें, इस तरीके से बना लें। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल जो है वो आलू चाट तैयार है, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार खाने में। रमज़ान मुबारक है, ज़रूर बनाइए, इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।